Hey guys, welcome back. So today in this video, we'll discuss about encryption and decryption. So what algorithm we should use and what is the process? So सबसे पहले हम बात करेंगे जो algorithm है अभी widely use हो रहा है और most secure है वो है AES-CBC with 256 bit of encryption. 256 bit of encryption का क्या मतलब है कि आपके 32 length का जो key होगा which is multiplied by 8, so 256 bit का वो हो जाएगा 32 bytes करके 256 bit से हम encrypt करेंगे और जो कि ये most secure होता है अभी. इसमें option और भी आते हैं 128. So सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या process होता है, कैसे problem कहाँ आती है. तो जब आपका client है, जब भी वो request कर रहा है और ये आपका server है, जो भी आपका node में बना हुआ है या किसी भी tech stack में बना हुआ है, वो क्या करता है, वो respond करता है in string और JSON में. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपके क्लाइंट साइड पे हैं, दे कैन ईजिली गेट योर रिस्पॉन्स. वो ब्राउजर में आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई मिडिल मैन जो है, हैकर जो है, वो इस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में वो आपका मिडिल मैन बन के वो आपके डेटा को मॉडिफाई कर सकता है. सो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने एप्लीकेशन में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, अभी तो हमने समझ लिया प्रोसेस, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ आती है. तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो की शेयरिंग की, क्योंकि AES-CBC जो है वो सिमेट्रिक होता है. मीन्स बोथ पार्टी, क्लाइंट एंड सर्वर, विल यूज सेम की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट. सो अभी हमें जो एक की है उसको कैसे शेयर करना है वो हमें देखना पड़ेगा. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, सो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन या आपके किसी भी इनिशियल API में, या आप एक अलग API बना सकते हो गेट की करके, और सर्वर साइड में क्या करोगे, आप इस की को डेटाबेस में स्टोर करोगे विथ इंक्रिप्शन. इस इंक्रिप्शन के लिए, की इंक्रिप्शन के लिए आप क्या है, एक नॉर्मल जो है ECB भी यूज कर सकते हो, जो कि एक स्मॉल डेटा के लिए और बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट होता है. और इसके लिए भी, चूंकि ये भी ये सिमेट्रिकल है, तो इसके लिए भी की रिक्वायरमेंट होगी. सो ये वाला जो की है इसको आप पब्लिक बना सकते हो और ये मैनुअली क्लाइंट को शेयर कर दो आप. तो क्लाइंट के पास, आपके पास जो भी आपकी रिएक्ट या एंगुलर की एप्लीकेशन है या कोई भी अदर एप्लीकेशन है, उसमें आप ये की आपने शेयर कर दिया. इस की को लेके आपने जो मेन की है उसको इनक्रिप्ट किया और अपने डेटाबेस में इसको स्टोर किया हुआ है. तो जब भी गेट की के लिए आएगा तो आप क्या करोगे, ये जो इनक्रिप्टेड की है डेटाबेस से, ये इसको रिस्पॉन्ड कर दोगे रिस्पॉन्स में. और वो जो है क्लाइंट एंड पे ये क्या करेंगे, जो इनके पास पब्लिक की है, इससे इसको डिक्रिप्ट करेंगे और अपने ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. ये की रोटेशन में भी काम आता है कि जब आपके पास ये की है, अभी कुछ टाइम के बाद आप इस की को चेंज करना चाहते हो, तो आप अपने इस नोड सर्विस से ही इस की को चेंज करके अपडेट कर दोगे और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा तो उसको नई की जनरेट होगी. तो ये साइकिल आप डिफाइन कर सकते हो. अभी क्या, की का एक्सचेंज हो गया है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसको कैसे यूज करना है. अब नेक्स्ट प्रोसेस समझ लेते हैं कि हमारे पास की का एक्सचेंज हो गया है और अभी क्या होगा, जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करेगा API के लिए, तो आपके पास जो एक्चुअल की है उसको लेके, और आप एल्गो जो AES-CBC 256 यूज कर रहे हैं हम, इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी को आप क्या करोगे, इनक्रिप्ट करोगे. और AES-CBC में क्या है, IV का मेन रोल है इनिशियलाइजेशन वेक्टर को, तो इसको क्या करेंगे हम, एज अ हेडर इसमें पास करेंगे. एज अ हेडर पास करना बेस्ट वे है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप इसको पोस्ट में भी भेज सकते हो. नेक्स्ट, सर्वर साइड में क्या है, हमने मिडलवेयर बना रखा है रिक्वेस्ट हैंडलर एंड रिस्पॉन्स हैंडलर. तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, फर्स्ट ये क्या करेगा, ये स्टोर किया हुआ है हमने डेटाबेस में. सो जब भी ये फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा, तो इसके बूटअप पे ही क्या करेंगे हम, डेटाबेस से ये की लेंगे और अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में जो पब्लिक की है उससे इसको डिक्रिप्ट करके अपने ग्लोबल वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे. सो की जो हमारा एक्चुअल है वो हमारे ग्लोबल वेरिएबल में आ चुका है. अब जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है, ये की लेके हम उसको क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे. अब हमारे पास डिक्रिप्ट हुआ, हमारे पास एक्चुअल जो पेलोड क्लाइंट ने भेजा था वो हमारे पास मिल गया. अब उसके बाद हम इसमें जो भी हमारी सर्विस है या डेटाबेस का जो भी इंटरेक्शन है उससे हम करेंगे, और जो भी फाइनल आउटपुट है जब कंट्रोलर उस पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड करता है, तो वो हमारे रिस्पॉन्स वाले मिडलवेयर में आ जाएगा. अब जैसे रिस्पॉन्स वाले मिडलवेयर में आ गया, तो हम इसको इंटरसेप्ट करके और इसको मॉडिफाई करेंगे और इसको फिर से इसी की से हम इनक्रिप्ट करेंगे और हमारा IV जनरेट करेंगे. हर पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमारे पास न्यू IV रैंडम IV जनरेट होगी, और उसके बाद हम इस इनक्रिप्टेड वैल्यू को जो है क्लाइंट को सेंड कर देंगे विथ IV एज अ हेडर. देन हमारे पास क्लाइंट के पास वो रिक्वेस्ट गई और वो क्या किया, उसने इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया और अपने लिए जो प्रोसेसिंग है उसको उसने डिस्प्ले किया, इधर स्टोर किया.
सो इस तरीके से हम कंप्लीट प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि API और सिक्योर हो जाएगी। Now let's see how we will write code in our Node.js application for this encryption and decryption. So I have prepared a blog here, the complete blog, so you can go over this one, like about this one, what is AACBC and what is the folder structure. So basically here we will create a product API. So I have mentioned in detail like what will be the folder structure in this, and we'll have one controller, okay, like product controller. So where we'll do some crude operation, get product detail and create a new product. So this we are exposing these API. दिस इज द मेन पार्ट, लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रिप्शन मिडलवेयर जो है हम अपना डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे जैसे आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा जो क्रिप्टो है, एंड यहाँ पे अभी मैं डेटाबेस से की का इंट्रैक्शन नहीं कर रहा हूँ इसमें डायरेक्ट मैंने कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ है। सो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन से हम रीड करें, लेट मी शो यू दिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो कॉन्फ़िग में दो हैं, इंक्रिप्शन की एंड इनिशियलाइजेशन वेक्टर लेंथ जो यहाँ पे 16 डिजिट का रखा हुआ है। लेट्स मूव इन टू दिस मिडलवेयर। ओके, सो इंक्रिप्शन मिडलवेयर बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट को ये डिक्रिप्ट करेगा और रिस्पॉन्स को ये इंक्रिप्ट करेगा, और यहाँ पे उसके लिए फंक्शन बना रखे हुए हैं इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। सो आप लोग इसको गो थ्रू ओके, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो AES256 CBC हम यूज़ कर रहे हैं, एंड इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो होता है उसको हम हेडर में इसको पास कर रहे हैं, एंड this is a service which will take the static data and will respond, and main jo hai app.js. so isme hum kya karenge, middleware ko yahan pe hum import karenge jo humne upar banaya tha, aur usko yahan pe hum register kar denge. to jo bhi request aayegi wo sabse pehle middleware pe hit hogi, aur wahan se data ko jo hai decrypt hoga, and then processing ke liye hum bhejenge service mein, aur service jo hai wahan se response leke jab wapas isko send karenge hum, so before sending हम क्या करेंगे, उसको डिक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दो API है, प्रोडक्ट जो है गेट प्रोडक्ट, एंड ये जो है प्रोडक्ट क्रिएट करने का। सो रिस्पॉन्स में जब रिक्वेस्ट API रिक्वेस्ट कैसे हम करेंगे, ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा हुआ है, IP एज अ हेडर हम भेजेंगे। नीचे मैंने एक छोटा सा क्लाइंट का भी इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है कि क्लाइंट साइड पर इसको कैसे क्रिएट करोगे, कैसे कॉल करोगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपना जैसे सर्वर हमने नोड का बना लिया, और उसको एक पोर्ट 3000 पोर्ट पे हमने होस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या होगा, हम इसको कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा लिया जो भी है, और इसको इनक्रिप्ट कर दिया सबसे पहले, और हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, और हेडर में हम जिस इनिशियलाइजेशन वेक्टर को यूज़ किया है उससे हम क्या कर रहे हैं, इसको हेडर में उसको भेज रहे हैं, जो कि सर्वर पर जैसे पहुँचेगा वो उसको डिक्रिप्ट करके प्रोसेस करेगा। सो आप कोडिंग का कीड़ा जो ये ब्लॉग है सिमिलर टू मैंने ये बनाया, जिससे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकते हैं, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।